दोस्तों, यूक्रेन युद्ध लगभग एक साल से लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ और जो कूटनीतिक अस्थिरता देखने को मिली वह तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन इससे भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हमारे नौसैनिक युद्धपोत के मरीन गैस टरबाइन इंजन को हासिल करने में हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से इन इंजनों की सप्लाई लगभग पूरी तरह से बंद कर दी जा चुकी है, जिसका सबसे बड़ा कारण रूस के साथ चल रहा युद्ध है, जिसकी वजह से यूक्रेन भारत को इन मरीन गैस टरबाइन इंजन की सप्लाई करने में असमर्थ है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो फैसिलिटी इन इंजनों को निर्माण करती थी उन पर काफी हमले हुए, जिसकी वजह से ये फैसिलिटी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और गैस टरबाइन इंजन के निर्माण में असमर्थ है। यानी कि भारत को अपने नेक्स्ट जनरेशन युद्धपोत प्रोजेक्ट के लिए मरीन गैस टरबाइन इंजन को किसी दूसरे स्रोत से हासिल करना होगा, जिसे लेकर अब भारतीय नौसेना एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अब ये फैसला लिया है कि हम छोटे और मीडियम क्लास के युद्धपोत को गैस टरबाइन इंजन की सप्लाई करने के लिए स्वदेशी रूप से काम करेंगे और इन इंजनों को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा, जिससे हम यूक्रेन पर अपने निर्भरता लगभग खत्म कर देंगे और हमारे युद्धपोत प्रोजेक्ट बिना किसी देरी के आगे बढ़ सकेंगे, जो कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा। साथ ही इससे हमारे डिफेंस इकोसिस्टम का भी विकास होगा। वहीं पर विशालकाय युद्धपोत को मरीन गैस टरबाइन इंजन की सप्लाई करने के लिए भारत लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दे रहा है, जिसके तहत हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हुए इन इंजनों का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और इन्हें देश के अंदर मैन्युफैक्चर करके युद्धपोत में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे हम स्मॉल, मीडियम और लार्ज क्लास के युद्धपोत को मरीन गैस टरबाइन इंजन की सप्लाई स्वदेशी रूप से कर सकेंगे। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के पास 150 के आसपास युद्धपोत मौजूद हैं, जो कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज अलग अलग कैटेगरी में हैं। यानी कि हमें हर क्लास के मरीन गैस टरबाइन इंजनों की जरूरत है, ताकि हम हमारी नौसेना के पास मौजूद युद्धपोत को सफलतापूर्वक मेंटेन कर सके और हिंद महासागर में हमारी क्षमता किसी भी लिहाज से कम ना हो। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से गैस टरबाइन इंजनों की सप्लाई न आना भारत के लिए एक काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था, जिसकी वजह से भारत के पास सिर्फ दो विकल्प रह गए थे। या तो हम यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के बाद इन फैसिलिटी के पुनर्निर्माण का इंतजार करें, या फिर हम खुद सक्रियता से कदम उठाते हुए हालात को संभालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, और हमने कदम उठाने को चुपचाप बैठकर देखने से ज्यादा अच्छा समझा, जो कि भारत का एक काफी मजबूत फैसला है, जिसके तहत भारतीय नौसेना ने यह फैसला लिया कि हम इन मरीन इंजन का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही करेंगे। वहीं पर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए भारतीय नौसेना लगातार तेजी से काम कर रही है, जिसके तहत प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है। साथ ही नौसेना देश के अंदर मौजूद इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रही है, ताकि उन कंपनियों के साथ साझेदारी की जा सके जो कि शक्तिशाली मरीन गैस टरबाइन इंजन को डिजाइन कर सकते हैं, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इन इंजनों को स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर किया जा सके। वहीं पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर इस प्रोजेक्ट को लगातार फंडिंग मिलती रहे तो भारत अगले 10 सालों में मरीन गैस टरबाइन इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है, जो कि हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं इसके अलावा डीआरडीओ ने भी कावेरी गैस टरबाइन इंजन प्रोजेक्ट को एक बार फिर से शुरू कर दिया है, जिसके तहत हम इस इंजन को अपग्रेड करेंगे और इसका एक ऐसा वर्जन विकसित करेंगे जो कि 12 मेगावाट की ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रख सकेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर डीआरडीओ की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत डीआरडीओ एक ऐसे ड्रोन को विकसित कर रहा है जो कि अपने साथ एक मशीन गन ले जाने में सक्षम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस ड्रोन का टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन पूरा किया जा चुका है और इसके डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम जारी है। वहीं पर यह गन ऑन ड्रोन प्रोजेक्ट भारत द्वारा शुरू किया गया अब तक का सबसे सिंपल और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम काफी बड़े स्तर पर कर सकते हैं। इसके तहत भारत ने एक 25 किलोग्राम के ड्रोन पर मशीन गन को इंटीग्रेट किया है, जो कि काफी अच्छी दूरी तक टारगेट को हिट कर सकता है। साथ ही ये ड्रोन अपने साथ लगभग 150 गोलियां भी ले जाने में सक्षम है, जिसे सिंगल मोड या फिर ऑटोमेटिक मोड में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इस ड्रोन में लेजर रेंज फाइंडर को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी वजह से ये ड्रोन ज्यादा सटीकता से अपने टारगेट पर मशीन गन का इस्तेमाल करके हमला कर सकता है। साथ ही भविष्य में इसमें अतिरिक्त सेंसर भी इंटीग्रेट किए जाएंगे, जो न कि सिर्फ इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे बल्कि ये ड्रोन ज्यादा लंबी दूरी तक भी हमला कर सकेगा, जिसके तहत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा ड्रोन जिसमें मशीन गन इंटीग्रेट किया है दुश्मन के खिलाफ कितना ज्यादा कारगर हो सकता है, जिसका मुख्य इस्तेमाल हम चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सीमावर्ती इलाके में एक्यूरेट और प्रिसाइज हमला करने के लिए तो कर ही सकते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल अर्बन ऑपरेशन और एंटी टेरर ऑपरेशन में भी किया जा सकता है, जो कि हमारी सैन्य क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। यानी कि कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहीं पर इसमें हमें काफी फायदा होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।